Cash flow mastery. I welcome each one of you present today with me in this session of cash flow mastery, जिसके अंदर ना हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि प्रॉब्लम क्या है, अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से निकल कर आएगा इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो मास्टरी। चलो, आपका जो गिफ्ट है ना मुझे, आपका जो मुझे गिफ्ट है वो है आपका प्रीशियस टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरी रिटर्न गिफ्ट आपको क्या है आज के लिए, मेरी आज के लिए आपको गिफ्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल। ये बुक अगर अभी तक आपको नहीं मिली तो बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको लिंक देने वाला हूं, वो जस्ट यू फिल अप योर डिटेल और ये बुक आपको ना मिलने वाली है, क्योंकि ये बुक ना कोई 30 पेजेस की मार्केटिंग मटेरियल या कोई पतली सी स्लिम बुक नहीं है जिसके अंदर की जनरल ज्ञान लिखा हुआ है, जो कि जनरली आप देखते हो कि लोग फ्री सर्कुलेट करते हैं, ये वो नहीं है। ये ना एक कंप्लीट बुक ऑन फाइनेंस है। लोग इस बुक के बारे में क्या बात कर रहे हैं, लोग इस बुक के बारे में वो सब बात कर रहे हैं कि किस तरह से वैल्यू एडिशन हुआ है उनकी लाइफ में इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो मास्टरी। तो आज ना मैं आपको ये प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है, इस बुक को ना आपने पढ़ना है और इसको आगे आपने गिफ्ट कर देना पढ़ने के बाद, और जिसको गिफ्ट करोगे ना उसको भी आपने रिक्वेस्ट कर देना है कि उसको पढ़े और गिफ्ट कर दे। क्यों? ताकि ये ना चेन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहे। ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो जो मैं देख रहा हूं ना माय डियर फ्रेंड, जो बहुत सारे बिजनेस ओनर मुझसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो, पता क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा प्रॉफिट कहां पर है मेरा प्रॉफिट। एक ना लगातार प्रेशर बना हुआ है, ऐसा प्रेशर बना हुआ है कैश फ्लो का लाइफ के अंदर, जिसे कहते हैं ना कि बस 100 सुई जो है ना 100 प्रेशर तक पहुंची हुई है, और वहां पर ना लाइफ में कैश फ्लो का पर्सनल और बिजनेस के अंदर ऐसा क्रिएट हुआ कि जिसे कहते हैं ना कि लिटरली धुआं निकल रहा है प्रेशर की वजह से इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। देखो, सैलरीज ना स्ट्रेच हो जाती है कई बार, सैलरी स्ट्रेच हो जाती है कि यार मतलब एवरी मंथ 7 तारीख आ रही है और वहां पर उस प्रेशर को बिल्डअप करना, सैलरी स्ट्रेच हो रही है, ये सिम्टम है किसके, कैश फ्लो की एरिया के प्रॉब्लम के। मुझसे क्या शेयर कर रहे हैं लोग कि यार ये ना डिले होती है सप्लायर की पेमेंट के अंदर, क्योंकि पैसे ही नहीं आते, सर्कुलेशन ही इस तरह से बना हुआ है, मार्केट का सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, कैश की पोजिशन टाइट हो रही है कि सप्लायर की पेमेंट ना चाहते हुए भी ओवरड्यू हो रही है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी मैं इंपैक्ट होने नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करें, द एरिया ऑफ कैश फ्लो इस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। अच्छा, जो लिमिट भी बैंक से यूटिलाइज कर ली, अब बैंक जो है वो कोलेटरल लिमिट देता है किसकी, ओवरड्राफ्ट की, कैश क्रेडिट की, अब ये जो लिमिट भी है ना ये ऑलमोस्ट एट लिमिट ही रहती है, कि मतलब पूरी बाउंड्री टच कर रही है इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। ये ना सिम्टम्स हैं जो मेरे फ्रेंड मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई बार ना जीएसटी और टैक्सेस भी हमारे ओवर ड्यू हो रहे हैं, इधर लास्ट मिनट है, या तो टैक्सेस लास्ट मिनट पे हो रहे हैं, उस समय किसी तरीके से फंड को अरेंज कर रहे हैं कि 7 तारीख को सैलरी पे किया तो 21 तारीख को जीएसटी पे किया, तो फिर दोबारा से सप्लायर की पेमेंट का प्रेशर है, तो ये साइकिल पूरा का पूरा इस तरह से घूम रहा है, जिसकी वजह से ना पूरी प्रॉब्लम है इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। लेट पेमेंट आ रही है कस्टमर से, डेटर्स को चेस कर रहे हैं, कलेक्शन मतलब कलेक्शन इंजन नहीं काम कर रहा जिस तरीके से, ऐसा लगता है कि हम सेल करते हैं। अब पेमेंट्स का साइकिल अगर ठीक हो जाए ना, बहुत बार आपने मुझसे शेयर किया है कि पेमेंट का साइकिल सही होने की वजह से बिजनेस के अंदर तो प्रॉफिट है लेकिन कलेक्शन टाइम पर नहीं है, तो ये कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जगमोहन जो कि हम कैश फ्लो के अंदर डील कर रहे हैं। इंपैक्ट क्या है,
इसका इम्पैक्ट क्या है, जरा थोड़ा सा ना इसको डीपर लेवल पे समझो कि इसका इम्पैक्ट क्या निकल के आ रहा है। 16 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे लगातार, 16 घंटे रोज के रोज, लाइक मंडे टू संडे 16 घंटे वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्स्टेंट कैश फ्लो के प्रेशर से निकलना है। बाल सफेद होने शुरू हो गए, 10 साल से ज्यादा, 15 साल से ज्यादा काम करते हुए हो गए हैं इस कॉन्स्टेंट प्रेशर की सिचुएशन के अंदर। कोई होलीडे नहीं ले पा रहे, घूमने जाने का प्रोग्राम तो एक तो लॉकडाउन ने बंद कर दिया, ऊपर से फिर भी थोड़ा बहुत बाहर निकलने का बनता है तो लगता है कि वर्क वर्क वर्क, नो होलीडे। कैश फ्लो का इम्पैक्ट आ रहा है लाइफ के ऊपर। पता नहीं क्यों बात बात पे एंगर आना शुरू हो गया है इस कैश फ्लो के चक्कर में। ये ना इम्पैक्ट है, ये जो सिचुएशन आप देख रहे थे ना, इसका इसका थोड़ा डीपर लेवल पे जाके देख रहे हो तो ये कहां पर इम्पैक्ट कर रहा है, एंगर लेके आ रहा है, जिसकी वजह से बीपी शुगर शूटअप हो रही है, पेट में गैस रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है, ये पीठ दर्द होना शुरू हो गया है, आंखों पे चश्मे लग रहे हैं, बच्चों की पीटीएम को अटेंड नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि सेविंग के लिए भी तो पैसे नहीं बच पा रहे हैं। अरे पहले बिजनेस की कैश की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाए, सैलरी तो टाइम पर पे कर दे, जीएसटी का तो हिसाब का निकल के आ जाए, कलेक्शन हो रही है 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक के, आउटस्टैंडिंग खड़े हो रहे हैं किससे, कस्टमर से लेने हैं, इंपैक्ट आ रहा है उसका, तो अपने सेविंग करने की बात ही कहां पर आ रही, जहां एक तरफ बैंक की ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट चल रही है, इंपैक्ट है उसका जबरदस्त। सेविंग के लिए तो ऐसे लगता है कि क्राइम कर रहे हैं, क्राइम सेविंग करना, कैसे क्राइम ऐसे कर रहे हैं कि भाई एक तरफ तो मैंने अपने बिजनेस के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है 9% पे, और ऊपर से अगर मैं अपने पैसे को एफडी के अंदर सेव करता हूं 6% या उससे कम के ऊपर, तो ये मतलब कोई आपको फाइनेंशियल सेंस समझ नहीं आती, तो सेविंग हो ही नहीं पा रही है। ये एक ट्रैप है, ये एक विशियस सर्कल है, समझ लो इस पॉइंट को, ये सर्कल है, ये बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट है, और डेप्ट धीरे 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 डेप्ट बढ़ता चला जा रहा है। उस समय फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, चाहे वो बिजनेस की थी चाहे वो पर्सनल लाइफ की थी, तो कहीं ना कहीं से क्रीप इन कर गया डेप्ट बिजनेस के अंदर, वो बढ़ रहा है। वो घर कब लेंगे, ड्रीम होम कब लेंगे, या चेंज करेंगे या रिनोवेट करेंगे, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही इस कैश फ्लो के इंपैक्ट होने की वजह से। और गाड़ी नॉट एबल टू चेंज, क्यों? क्योंकि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर लग रहा है आज की डेट में गाड़ी के ऊपर एक्सपेंडिचर करना, क्योंकि एक तरफ कैश फ्लो का प्रेशर कंसिस्टेंटली चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि पहले ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी एक बार ठीक हो जाए तो फिर गाड़ी भी चेंज कर लेंगे, उसमें क्या बात है। ये इम्पैक्ट है, देख लो कहां कहां पर किस किस तरीके से ये कैश फ्लो इम्पैक्ट कर रहा है। और जिंदगी चल रही है, चल रही है जिंदगी, चल रही है, चल रही है, लाइफ इज मूविंग, मतलब किस सिचुएशन में चल रही है, किस तरीके से चल रही है, लाइफ इज मूविंग ऑन। और ना अब तो कभी कभी शाम को, जब तक ड्रिंक वाला सिस्टम ना हो जाए तब तक ना रिलैक्सेशन ही नहीं आती, नींद नहीं आती। ये धीरे धीरे शुरू किया था, पता नहीं कहां से उसकी आदत लग गई है, लत लग गई है, इम्पैक्ट है। देखो किस सिचुएशन का कहां से इम्पैक्ट है, बिजनेस क्या सोच के शुरू किया था और कहां गाड़ी पहुंचनी शुरू हो गई है। अकेला अकेला सा महसूस कर रहे हैं, अकेला अकेला सा, कि क्या यार, मतलब ना ये एक कॉन्स्टेंट प्रेशर की वजह से ना कहां जा रही है जिंदगी, अकेले अकेले अकेले, और बहुत सारी चीजों को लाइफ के अंदर अवॉइड करना शुरू कर दिया है। माइंड इट, नोट इट, गेट इट, किस तरह से, किस डीपर लेवल के ऊपर ये कैश फ्लो इंपैक्ट कर रहा है। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ नॉट डूइंग कैश फ्लो मास्टरी। इसलिए ना स्पेसिफिकली माय डियर फ्रेंड, आज आपके लिए मैं सिस्टमैटिक तरीके से वो चीज लेकर आया हूं कि कहीं मिसिंग तो नहीं है कैश फ्लो मास्टरी आपके बिजनेस के अंदर और लाइफ के अंदर। एक बार ना देख लो,
सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई सिम्टम होता है, जब भी कोई इस तरह से चीज होती है, तो हम क्या करते हैं उसका टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, कितने डीपर लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती है। उसके लिए ना देखो, ह्यूमन बींग तो क्या करते हैं, एक टेस्टर मुंह में डालते हैं, उसके ऊपर एक पारा आ जाता है कि 98 डिग्री का टेम्परेचर है कि 100 डिग्री का टेम्परेचर है कि 99 का है कि 101 डिग्री का टेम्परेचर है। ठीक है, टेस्टर लगाकर आप अपने ऊपर देखते हो तो अपनी बिजनेस के ऊपर कौन सा टेस्टर लगाओगे, क्या करोगे, क्या करें आप उस केस के अंदर। उस केस के अंदर ना मैं आपको बता रहा हूं कि आप लगा लो एक फाइनेंशियल टेस्टर, ये दे रहा हूं मैं आपको, एक ना अपनी करंट स्टेट ऑफ जो बिजनेस है, सबसे पहले अगर आप भी कैश फ्लो की सिचुएशन से डील कर रहे हो, अगर आप कैश फ्लो की सिचुएशन से डील कर रहे हो तो क्या लगाना है आपने, फाइनेंशियल टेस्टर। कैसे दिखाई देता है फाइनेंशियल टेस्टर, ये लो अपने बिजनेस पे लगा के देखो। ये एक छोटा सा टूल जिसको मैंने नाम दिया है फाइनेंशियल टेस्टर आपके सामने आ गया है। बहुत सिंपल है, समझ लो एकदम केक वॉक है, बच्चों की तरह आप बड़े प्यार से स्टेप बाय स्टेप इसको अपने टेस्टर लगा के देख सकते हो कि बिजनेस की स्थिति क्या है और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आ रहा है। आपके सामने ओपन हो गया फाइनेंशियल टेस्टर, देखो क्या करना है उसके अंदर। करना ये है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में अपना पिछला महीना जो खत्म हुआ है ना, अभी जनवरी चल रहा है तो पिछला दिसंबर का महीना खत्म हुआ है, तो दिसंबर के महीने में देखो कि आपने कितनी सेल की थी। दिसंबर के महीने में जो सेल की थी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या आई थी ताकि उसका जीपी निकाल सके, और खर्चे कितने हुए थे और किताबों में प्रॉफिट कितना आया। 1,44,000 का प्रॉफिट अर्न किया है आपके बिजनेस में, देख लो 1,44,000 रुपए का पिछले महीने प्रॉफिट अर्न कर लिया है पिछले महीने के अंदर। कैसे पता लगा, ये पिछले महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने डाल के देखा। ओके, अब बैलेंस शीट की स्थिति क्या है, बस उसकी फिगर्स को नोट कर लो भाई, कितनी कैपिटल आपने लगा रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, और लोन कितने चल रहे हैं बिजनेस के ऊपर, और सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है, कितने एसेट्स आपके पास है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्या, डेटर्स से कितने पैसे हमने लेने हैं, और इन्वेंटरी कितने की पड़ी है, और अब बैंकों से ओवरड्राफ्ट लिमिट कितने की चल रही है, यहाँ पर 43,04,000 की चल रही है। एसेट और लायबिलिटी दोनों आपस में टैली हो गए, कहां से देखा आपने, अपनी सिंपल टैली खोलो, बिजी खोलो, सैप और एकल बान, जो भी जोहो नेविजन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करते हो, पिछले महीने का डाटा आपने यहां पर डाल दिया। सिंपल है, एकदम सिंपल है। हम क्या लगा रहे हैं, फाइनेंशियल टेस्टर लगा के आपकी कंपनी की हेल्थ को चेक कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल दिया, बैलेंस शीट डाल दी, अब क्या था, कैश फ्लो, भाई ओपनिंग बैलेंस कितना था और कलेक्शन कितनी हुई कस्टमर से, और आपने और भी पैसे डाले क्या बिजनेस के अंदर, मान लो कोई लोन लिया या कैपिटल डाली या कोई अदर कलेक्शन आई थी, टोटल इनफ्लो आ गया। अब आपने उस पैसे का क्या किया, सप्लायर को कितनी पेमेंट गई थी, एक्सपेंसेस की कितनी पेमेंट गई थी, या कोई कैपिटल आउटफ्लो कितना हुआ था, या आपने कोई जीएसटी टीडीएस वगैरह कितना आपने पे किया था, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल कर आ गया। ये फिगर्स तो हो गई एक्चुअल फिगर पिछले महीने की, दिसंबर के महीने की। क्यों लगा रहे हैं, जरा उन फिगर्स के ऊपर अब जरा टेस्टर लगा के देखते हैं। देखो आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर मेरी सेल 100 रुपए की होती है, भाई आपको ना अपने प्रोडक्ट के बारे में तो मालूम है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा हूं, बेच रहा हूं, अगर मैं 100 रुपए का, देखो कितना सिंपल कर दिया है, इतना सिंपल कर दिया है इसको कि जस्ट ये एक बहुत ही हंसते खेलते पूरा टेस्ट निकल के आपका आ जाएगा बिजनेस का। तो अगर 100 रुपए की सेल करते हो तो आपने कहा 60 रुपए का मटेरियल लगता है जनून, 40% की तो मेरी जीपी होनी चाहिए। वर्ड देखो क्या है यहाँ पे, प्लान, कितनी होनी चाहिए, प्लान क्या है, प्लान है आपका कि मैं 100 रुपए की चीज को 60 रुपए के मार्जिन पे बेचता हूं और तकरीबन 25-1 रुपए के खर्चे होते हैं तो 15 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 15% का। आप तो कह रहे हो कि मैं तो एडवांस में पेमेंट करना चाहता हूं और मेरी इन्वेंटरी 30 डेज की होनी चाहिए और मैं सप्लायर को तो 60 दिनों के अंदर पेमेंट करता हूं, जिसकी वजह से मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल -30 डेज का आ गया। भाई डेटर डेज जमा में इन्वेंटरी डेज माइनस में क्रेडिटर डेज इज इक्वल टू कैश कन्वर्जन साइकिल। तो आप कहते हो कि मेरी वर्किंग कैपिटल अगर 100 रुपए की सेल करता हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल -8 की होती है और मेरी डेब्ट इक्विटी रेशियो ना
जितने पैसे मैंने अपने लगा रखे हैं और जितने पैसे मैं लोगों से लेना चाहता हूँ, वो किसी भी केस में एक से ज्यादा नहीं होती। एक से ज्यादा का मतलब क्या है, जितना मैंने लगाया उससे ज्यादा तो नहीं मैं लेता बाहर लोन से। और देखो जी, मैं 7% के ऊपर इंटरेस्ट पे करता हूं अपनी ओवरड्राफ्ट सीसी वर्किंग कैपिटल लोन के ऊपर, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 35% की मुझे आरओआई आनी चाहिए। भाई बिजनेस कर रहे हैं, कम से कम 35% की आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आनी चाहिए ना, जिस तरीके से आप अपने अपनी जिंदगी लगा रखी है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है दुनिया की। और आप कहते हो कि 20-1 लाख रुपए तो आराम से मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंसेस पड़े रहते हैं। ये क्या है, आइडियल सिनेरियो, ड्रीम सिनेरियो। इस तरीके से आप सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस भी इसी तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि आप कहते हो कि जो मैं काम कर रहा हूं जगमोहन, वो तो बड़ा ही प्रॉफिटेबल है और बड़ा अच्छा काम है, तभी तो कर रहे हो। अगर ये आपको पहले ही पता लग जाए कि ये लॉस मेकिंग काम है, और जितनी ज्यादा आप मेहनत करते जा रहे हो इस बिजनेस के अंदर, उतने आपके लोन बढ़ रहे हैं, उतनी आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो करोगे क्या उस काम को? नहीं करोगे। आप उसके अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आओगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक चेंज लेकर आओगे, डेफिनेटली लेकर आओगे, लेकिन कब? मैं कह रहा हूं कब लेकर आओगे, तब लेकर आओगे ना जब आप अवेयरनेस के अंदर हो। जब आप अवेयरनेस के अंदर हो, कौन सी अवेयरनेस के अंदर? आप इस अवेयरनेस के अंदर हो कि फाइनेंशियल टेस्टर लगाकर अब आपने देखना है अपने कैश फ्लो की स्थिति को। चलो अब लगा देते हैं फाइनेंशियल टेस्टर आपके बिजनेस की स्थिति में। देखो, सेल 100 रुपए की है तो करंट सिनेरियो में ना आपकी कोस्ट 60 रुपए नहीं आ रही, आपकी कोस्ट 80 रुपए की आ रही है, और जीपी मार्जिन आपका 20% है। सोचा कितना था, 40% का। जीपी मार्जिन है कितना, 20% का। देख लो, ये रही जीपी, जीपी है ना, जीपी कितना परसेंटेज आ रही है, जीपी आ रही है आपका इजिकल टू ये जीपी डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। देख लो, चेक कर लो, 20 है। अब सोच रहे हैं हम कि 40% जीपी होना चाहिए, लेकिन धंधे में मार्जिन है कितना ऑन एन एवरेज? परचेज प्राइस इतने बढ़ चुके हैं, जो आयरन एंड स्टील आप खरीदते थे डबल नहीं हो गया रेट उसका, 32 रुपए की चीज 84 रुपए की हो गई आज की रेट के अंदर, लेकिन आपके सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, यानी कि पास ऑन नहीं कर पा रहे, या तो डर रहे हैं कंपटीशन से, या अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक बार खोल के देखो तो सही कि किताबों के अंदर जीपी मार्जिन कहाँ चला गया। अगर कंसिस्टेंटली ये जीपी मार्जिन लो रहेगा तो वेरिएशन कितनी आ गई, 40 सोच रहे थे, 20 आ रहा है, वेरिएशन आ गई 20% की। 19,74,000 रुपए का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है इस चीज का, 19,74,000 रुपए। आप कह रहे हो कहाँ गए मेरे पैसे, पैसे कहाँ है, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा? अरे 19 लाख रुपए तो आपके जीपी मार्जिन कम होने की वजह से वहां चले गए। अच्छा अब देखो जरा फिक्स्ड कॉस्ट आप कहते हो कि 25 रुपए तक मैं बियर कर सकता हूँ, आपने 19 रुपए कर दी, वेरी गुड, 6 रुपए की सेविंग है। इसका मतलब है कि 6,37,500 रुपए आपने बचा लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। टेस्टर बता रहा है, दैट मीन टू से कि जो एक्स्ट्रा सैलरीज के खर्चे थे, या जो एक्स्ट्रा रेंटल शोरूम आपने ले रखे थे, या जो एक्स्ट्रा आपने रीनेगोशिएट करके अपने रेंटल को कम करवाया, तो उसकी वजह से 25% की जगह 19% की फिक्स कॉस्ट हुई है, 6% का आपको बेनिफिट है, तो ये कैलकुलेटर आपको बता रहा है, अच्छी बात है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखो, क्या सोच रहे थे, 15%, आ कितना रहा है, 1%। ये देख लो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 कितना आ गया, आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट आपका हो गया 1%, मतलब 1.45% हो गया। तो 15 आप चाहते हो, 1% प्रॉफिट आ रहा है, 14% से प्रॉफिट कम है, 13,36,000 रुपए कम है ना, सीधा 13,36,000 रुपए किस वजह से कम हुआ भाई, 1974 का आपको जीपी कम था, 6,37,000 रुपए आपने खर्चे में बचा भी लिए, लेकिन फिर भी नेट आप 13,36,500 रुपए और कमा सकते थे। लेकिन करंट सिनेरियो में जहां पर जीपी रेशियो 15% मेंटेन नहीं हो रही, तो आप 13,36,000 रुपए का लॉस के अंदर है, यानी कि उतना प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे, कैश फ्लो पे इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। कभी इस तरह का फाइनेंशियल टेस्टर लगाकर पहले देखा था?
नहीं देखा था। ना देखने का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हमें पता नहीं लग पा रहा कि कहां पर किस वजह से आ रहा था। अब देखो लग गया फाइनेंशियल टेस्टर, एक एक चीज निकल के प्रकट होके सामने आ रही है कि दिक्कत है कहां पर बिजनेस के अंदर। अब डेटर्स जो है वो 60 दिनों में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ इसका, 60 दिनों में पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि डेटर्स कितने आपके 1,97,40,000 के, और आपकी मंथली सेल कितनी है 98 लाख की, कैलकुलेट कर लो कितने आ गए, 60 दिन आ गए आपके, इज इक्वल टू 30 डेज की सेल है ना ये वाले, तो कितने दिन के निकल के आ गए 60 दिन के, यानी कि आपकी वेरिएशन माइनस 60 दिन की है, यानी कि 1,97,40,000 तो आपने बिजनेस में पैसा डाल रखा है। इधर बैंक से लोन लिया, उसको ब्याज भर रहे हैं 7%, 8%, 9% बैंकों को ब्याज भर रहे हैं, बैंक से लोन लिया उसको ब्याज भर रहे हैं, इधर से जो सेल की वो पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, वो पैसा आपके कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कस्टमर्स ने बैंक से लोन लिया हुआ है, एक तरीके से कस्टमर ने बैंक से लोन लिया हुआ है और ब्याज आप भर रहे हो उसका। यही बात हो गई ना, आपकी प्रॉपर्टी है, घर की प्रॉपर्टी, ऑफिस की प्रॉपर्टी कोलैटरल है, तो घर की ऑफिस की प्रॉपर्टी को आपने बैंक को गिरवी रखा और बैंक से ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट ले ली, वो सीसी लिमिट लेने के बाद उसमें से आप सप्लायर को पेमेंट करते हो, माल खरीदते हो, सब कुछ करते हो, पूरा माल बना के अपने कस्टमर को दे देते हो, उनको बोलते हो ठीक है जब देने होंगे पैसे दे देना, तो आप सामने पैसे रख के बैठे हो कितने 1,97,00,000। आप क्या सोच रहे थे, आप ये सोच रहे थे ना कि ठीक है मतलब मैंने 13 लाख रुपए का कम प्रॉफिट किया ना तो 13 लाख रुपए का इंपैक्ट आएगा, ना जी ना, इंपैक्ट कितना है 1,97,00,000 रुपए का है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास पैसा पड़ा हुआ ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल किए चले जा रहे हो 60 दिनों के बराबर का। कैसे देखो, एक महीने में अगर 98,70,000 की सेल होती है तो 2 महीने में कितनी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे आप, ये लो भाई इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 30 × 60 आ गया नहीं 197। ओके okay, अब आप समझ गए। यस, आपके डेटर्स कितने चल रहे हैं, आपके डेटर्स चल रहे हैं इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय बी थ्री इंटू कितने डेटर हैं 1,97,40,000 के, कितना आ गया 60 डेज का। पूरा समझ गए आप, समझ गए, यानी कि एक्चुअल देखो तो सही मेरे डेटर्स कितने दिनों की सेल के बराबर है, मेरे डेटर्स कितने दिनों की सेल के बराबर है। आपने कहा 1,97,00,000 का तो अमाउंट बड़ा होता है। अब इन्वेंट्री आप कहते हो 30 डेज की होनी चाहिए, आपने 24 डेज की एक्चुअल इन्वेंट्री आ रही है, अच्छी बात है, पॉजिटिव वेरिएशन है 6 दिन की। इसका मतलब है कि 6 दिन के बराबर के 1,97,000 रुपए आपकी इन्वेंट्री कम है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जितनी कम इन्वेंट्री होगी उतनी ज्यादा रोटेशन उसकी बढ़ेगी, अगर इन्वेंट्री ज्यादा होती तो वह नेगेटिव होता, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, लेकिन डेटर्स के पास पैसे पड़े हुए हैं। इधर सप्लायर को आपने सोचा कि भाई मैं तो 60 डेज से पेमेंट करूंगा, लेकिन सामने वाली पार्टी पैसे ही माल ही नहीं दे रही, सामने वाली पार्टी बोलती है कि पहले पिछली पेमेंट क्लियर करो, अगर पिछली पेमेंट नहीं कर रहे तो नई परचेजिंग जो आप करोगे वो नई परचेजिंग आप मेरे को एडवांस में पैसे देके करोगे। अब आज की डेट में ना क्रेडिटर्स के डेज कितने हो चुके हैं, 12 डेज की क्रेडिटर्स हो चुके हैं, कितनी लायबिलिटी आपकी इतनी 12 डेज के बराबर की है, यानी कि -48 डेज, 48 दिनों के बराबर का उधार या क्रेडिट जो आपको मिल सकता था वो नहीं मिल रहा, 12 दिन की आ गई है। तो इसका मतलब आपको कितने पैसे लगाने पड़ रहे हैं अपनी तरफ से, 1,57,92,000। आप कह रहे हो ना वेर इज माई मनी, मेरा प्रॉफिट जाता कहाँ पर है, मैं कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पा रहा। ये वाइटल नंबर्स हैं बिजनेस के, जो पूरे के पूरे पैसे को चूस के बैठे हुए हैं, और समझ ही नहीं आ रहा था आपको कि पैसे कहाँ चले गए, ये पड़े हुए पैसे, यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल जो -30 डेज का होना चाहिए वो 72 डेज का हो गया है, 102 दिन का इंपैक्ट है, 3,35,00,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के बैठे हो। कहां से आए हैं पैसे, लोन लेना पड़ा 1,90,00,000 रुपए का लोन लेना पड़ा ना, और बैंकों से ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट लेनी पड़ी,
इस नेगेटिव ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर जो वेरिएशन आपका आ गया, यानी कि वर्किंग कैपिटल अगर आपकी 100 रुपए की सेल है तो -8 रुपए के बराबर की होनी चाहिए, 100 रुपए की सेल के ऊपर 20 रुपए के बराबर की अगर आप वर्किंग कैपिटल लगाओगे तो 28 दिनों की वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा लगी हुई है आपकी, तो 3,35,00,000 रुपए चाहिए ना बिजनेस को, भाई बिजनेस को चाहिए, समझो इसको। जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो और मटेरियल खरीदोगे उसके लिए पैसे चाहिए, सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, टेलीफोन पे करना है, बिजनेस को रन करना है उसके लिए पैसे चाहिए। अब बिजनेस ने जो भी मटेरियल सप्लाई कर दिया आपने कस्टमर को, आप चाहे ट्रेडिंग करती हो, मैन्युफैक्चरिंग करती हो, प्रोजेक्ट में हो या सर्विस के अंदर हो, जब आपने वो सामान कस्टमर को सेल कर दिया या सर्विस प्रोवाइड कर दी, अब वहां से तो पैसे आ नहीं रहे, कलेक्शन वहां से आने रही, तो ये बीच का जो गैप है उसको कौन पूरा करेगा बिजनेस के अंदर, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब वो वर्किंग कैपिटल कितने की है, 3,35,00,000 रुपए की, उसके ऊपर हम ब्याज भी भर रहे हैं। अब मजे की बात देखो, इंटरेस्ट आपको लगता है कि 7% है, लेकिन थोड़ा बहुत डिले होने की वजह से बैंक आपको एनपीए की धमकियां दे दे के और आपकी क्रेडिट रेटिंग को ऊपर नीचे करके उसने इंटरेस्ट कितना कर दिया, 9% कर दिया, -2% हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कितना हो गया, 3,80,000 रुपए, 2% 3,80,000। छोटी छोटी चीजों से ना कैसे छेद हो रखे हैं कंपनी के कैश फ्लो के अंदर और इंटरेस्ट निकल रहा है। जो हम सोच रहे थे कि हमें आरओआई 35% मिलनी चाहिए, लेकिन आरओआई मिल कितनी रही है, 6% की मिल रही है, 6% की। अरे बैंक में एफडी करा दो तो 6% मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड कराएंगे तो 10% भी मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन 6% तो बैंकों से एफडी है। तो फिर इतना ताम झाम, टेंशन, प्रेशर, सारा दिन रात मेहनत करके क्या फायदा भाई, आरओआई अगर नहीं आ रही है, आरओआई नहीं आ रही है -29%, आप ये मत देखा करो कितना कमा रहे हो, ये देखो कितना लूज कर रहे हो, ताकि आपको सही टाइम पर सही डिसीजन मिले। फाइनेंशियल टेस्टर के अंदर आपने वेरिएशन देख रहे हो ना, वेरिएशन ये एकदम डिपिक्ट करके बता रही है कि पोजीशन कहां पर चल रही है, यानी कि 92,06,000 रुपीज तो और कमाए जा सकते हैं अगर 35% की आरओआई के ऊपर आप अपने बिजनेस को मैनेज और मेंटेन कर पा रहे हो। बैंकों में होने चाहिए आपके खुद के अपने 20,00,000 रुपए, चल रहे हैं -44,00,000 रुपए, एक्चुअली 64,00,000 रुपए का फर्क है। यानी कि अब आपको पता लग गया करना क्या है, करना ये है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके वाइटल नंबर को प्लान करो कि मैं अगर 100 रुपए की सेल करता हूं तो जीपी कितना होना चाहिए, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 100 रुपए में 25 की कॉस्ट है तो 15 का ईबीटा चाहिए मुझे, 15 का चलो प्रॉफिट चाहिए मुझे, कस्टमर से कितनी पेमेंट टर्म है, इन्वेंटरी की कितनी पेमेंट टर्म है, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितनी लगी, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितनी, यहाँ डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.53 हो गई थी, देख लो लोन ज्यादा है ना, ये देखो लोन ज्यादा है, आपका लोन कितना है 1,90,00,000 रुपए का, और अपने खुद के पैसे कितने हैं, 1,22,00,000 की कैपिटल है और 1,44,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो लोन बटा में अपनी नेटवर्थ इज इक्वल टू आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो आ गई, डेब्ट ज्यादा इक्विटी कम, तो -0.53 था, यानी कि 66,16,000 तो एक्स्ट्रा ही लेके चले हो, रिस्क हो गया ना, रिस्क हो गया, तो रिस्क एपेटाइजर बढ़ गया। अगर सिचुएशन ऊपर नीचे होती है तो उस केस में ये हाई रिस्क की बिजनेस है, एनसीएलटी में जा सकता है, ओके वहां नहीं जाना हमने। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुई, कैसे कैलकुलेट होती है, देखो डेटर्स कितना, इन्वेंटरी कितनी, क्रेडिटर्स कितने, डेटर में इन्वेंटरी को ऐड किया, क्रेडिटर्स को माइनस किया, -8 की होनी चाहिए, एक्चुअली कितनी चल रही है, 16 रुपए, 7 रुपए, 3 रुपए, 20 रुपए, ये मैंने 100 रुपए के हिसाब से इसलिए कैलकुलेट कर दिया कि जब भी हम किसी को परसेंटेज में देखते हैं ना, 100 के आंकड़े में देखते हैं तो समझ में आ जाती है। जैसे कि रेस्टोरेंट के बिजनेस के अंदर अगर जो रेंट है वो 100 रुपए की अगर सेल करते हैं, 8 रुपए से ज्यादा का रेंट है ना, तो वो रेस्टोरेंट प्रॉफिट में नहीं आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट को रेंट भी देना है, उसको सैलरी भी देनी है, उसको अपना जो मटेरियल था कंज्यूमेबल था उसको भी टेक केयर करना है, फिर कई तरह के मिसलेनियस खर्चे भी आते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे कनाड प्लेस में खोल लिया, साकेत में खोल लिया, कोई आपने नेहरू प्लेस के अंदर रेस्टोरेंट बना लिया, महंगे महंगे किराए दे रहे हो और किराया ही 40-45-80% के बराबर का है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में खोल लिया
सेल उस हिसाब से होनी रही, रेंटल ही रेंटल है, तो वो रेस्टोरेंट कैसे प्रॉफिट के अंदर आएगा? उस रेस्टोरेंट को प्रॉफिट में लाने के लिए कुछ ना कुछ बेंचमार्क होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल टेस्टर में क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल टेस्टर में ये बोला कि आपने अपने बेंचमार्क टेस्टर के सेट कर दिए। बीपी अगर क्या कहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अगर 98 होना चाहिए और बॉडी का टेम्परेचर 100 आ रहा है तो दिक्कत है ना। सिमिलरली फाइनेंशियल टेस्टर लग गया। आप कह रहे हो ठीक है जिंगोन, ये तो बड़ा अमेजिंग टूल आपने हमें दे दिया, तो क्या ये टूल आपको मिल जाएगा? बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अब मैं डिस्क्रिप्शन में और लिंक में आपको इसको दे देता हूँ, आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल मैं दे रहा हूँ फाइनेंशियल टेस्टर की। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें, व्हाट नेक्स्ट? पता लग गया। पहला क्या था कि कैश फ्लो मास्टरी के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस स्थिति में खड़े हैं, पता लग गया। उसके बाद इंप्लीमेंट करना है, आपने क्या इंप्लीमेंट करना है, कैश फ्लो का फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है। अब क्या होता है कैश फ्लो का फ्रेमवर्क? देखो कैश फ्लो का फ्रेमवर्क है, चार क्वाड्रेंट है कैश फ्लो के फ्रेमवर्क के, जो कि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। आज ना आप अच्छे से समझ लो किस स्थिति में आप हो, उसको टेस्टर लगा के चेक कर लो। जो स्थिति आपके सामने आई, अब इस स्थिति के अंदर बेस्ट से बेस्ट स्थिति, पॉजिटिव स्थिति, कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए कैश फ्लो फ्रेमवर्क में सबसे पहले आप समझ लो चार स्टेप्स, जो कि कैश रिच बनाएंगे। पहला स्टेप क्या है? बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मैंने फाइनेंशियल टेस्टर में दिखाया ना आपको कि स्थिति चेक करो कि होना किस तरीके से चाहिए। एक बार ना बैठ के रीडिजाइन कर लो अपने बिजनेस को, कि जो भी आप काम कर रहे हो आज की डेट के अंदर, क्या वो काम एक्चुअली प्रॉफिटेबल और कैश रिच है क्या? प्रॉफिटेबल और कैश रिच है क्या? अपना बिजनेस मॉडल ना बैठ के बना लो कि अगर 100 रुपए की सेल करता हूं तो कितने की कॉस्ट होनी चाहिए। एक बार ना रिकैलकुलेट कर लो, कॉस्टिंग लगा के चेक कर लो ऑन दी कॉस्टिंग पार्ट, ऑन दी प्लानिंग पार्ट। ये बिजनेस मॉडल है। अगर बिजनेस मॉडल के अंदर ही कमियां हैं, बिजनेस मॉडल के अंदर ही कमियां हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, अब वो प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस चला तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो उनको प्रिंटिंग के अंदर अपनी लाइन सेगमेंट चेंज करना चाहिए था। तो उनको रेस्टोरेंट के लिए पैकिंग मटेरियल और फूड सप्लाई वाले आइटम के ऊपर अगर आप रैपर बनाना शुरू कर दोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन हो कुछ भी हो लेकिन होम डिलीवरी होती रहती है। आजकल की होम डिलीवरी प्रिंटेड पैक्ड मटेरियल के अंदर होती है, तो उसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन बाकी ब्रोचर, पैम्पलेट, लीफलेट कौन प्रिंट करा रहा है आज की डेट में? पहले वोडाफोन, आइडिया या बाकी सारी कंपनियां पुराने जमाने में बड़े बड़ा प्रचार करती थी, ये लंबी लंबी लड़ियां लगाती थी और ब्रोचर बनवाती थी, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कराती थी। आज कौन करवाता है? कोई भी नहीं कराता। सारा डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, डीएमई लगे हुए हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, तो प्रिंटिंग प्रेस कैसे चलेगी? और लेकिन आज की डेट में भी अगर हम वेट कर रहे हैं कि स्थिति ठीक होगी, स्थिति ठीक होगी, स्थिति ठीक होगी, अरे पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो आपको क्या करना है? आप मेरे से इस बात पे सहमत हो कि अब आपको अपना बिजनेस मॉडल अपग्रेड और रिक्रिएट कर लेना चाहिए। ये कैश फ्लो फ्रेमवर्क का पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? कैश फ्लो का मॉडल बना लो। सेकंड स्टेप क्या है? कैश फ्लो का मॉडल बनाने का मतलब ये है कि कलेक्शन जो आपके पास आ रही है ना, कलेक्शन आपके पास आ रही है, तो कलेक्शन जो आती है उसके ऊपर लगाओ कलेक्शन इंजन, और जो पैसे आपके पास आ गए वो जाएंगे कैसे, खर्च कैसे होंगे, खर्च कैसे होंगे, उसका बना लो कैश फ्लो मॉडल। मतलब कि सबसे पहले जो कलेक्शन आ रही है उसमें से प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल को अपनाते हुए एक परसेंटेज आपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, कैश रिजर्व को। कलेक्शन आई, प्रॉफिट फर्स्ट, कैश रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। अब बाकी जो पैसे बचे हैं उसमें सबसे पहले इसेंशियल की पेमेंट कर दो, यानी कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इसेंशियल जो बहुत जरूरी है, जिससे तो बिजनेस डे टू डे वर्किंग उसकी होनी है, इसेंशियल की पेमेंट कर दी। अब प्रायोरिटीज की पेमेंट कर दो। देखो बिजनेस में ना प्रायोरिटीज पहले से ही डिफाइन करके चलो। जैसे मान लीजिए आपने एलसी खोली हुई है और एक फिक्स डेट के ऊपर आपकी एलसी लगती है, तो अब आप एलसी की पेमेंट टाइम पे क्लियर करोगे, नहीं तो बैंक आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। इसेंशियल पे हो गए, प्रायोरिटी पे हो गई। अब जो पैसे बिजनेस में बचे हैं ना, उससे
आपने क्या करना है, अकाउंट पेबल की पेमेंट करनी है, सप्लायर की पेमेंट करनी है फीफो बेसिस के ऊपर। जो सबसे पुराना बिल है सबसे पहले पे हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, यानी कि प्रायोरिटी सेट कर दी। जो कलेक्शन आई उसका एक हिस्सा गया कैश रिजर्व के अंदर, फिर पे कर दिए इसेंशियल फी, फिर पे कर दी प्रायोरिटी, और फिर पे कर दिया पेबल, और बाकी जो बैलेंस बचा है वो बन गया क्लोजिंग बैलेंस। आज का क्लोजिंग बैलेंस कल का ओपनिंग बैलेंस है, कल का क्लोजिंग बैलेंस परसों का ओपनिंग बैलेंस है, परसों का क्लोजिंग बैलेंस उसे नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस है। तो कैश फ्लो मॉडल आपने लगा दिया अपने बिजनेस के अंदर, इसको बोलते हैं हम कैश फ्लो फ्रेमवर्क का स्टेप नंबर टू। तो स्टेप नंबर थ्री क्या है, स्टेप नंबर थ्री है कि कैश रिजर्व जो आप क्रिएट कर रहे हो ना उसको बहुत ही इफेक्टिव तरह से यूटिलाइज करना है आपने। जैसे आधा पैसा तो कैश रिजर्व का आपने बाहर निकाल लिया अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए, यानी कि आपने सिप लगा रखी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चाहे आप बिल्कुल सेफ्टी से ऑपरेट करते हो तो बैंक के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट खोल लो, या आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट खोल लिया, लेकिन थोड़ा सा आपका रिस्क एपिटाइजर ऊपर है तो आप क्या करते हो, आप म्यूचुअल फंड की सिप लगा लो, इंडेक्स फंड की सिप लगा लो, नहीं तो इक्विटी के अंदर आप एक ऐसा सिस्टम कर दो कि हर महीने आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं कैश रिजर्व के, बाकी 50% का जो कैश रिजर्व है वो बिजनेस में री इन्वेस्टेड है, री इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। ये तीसरा स्टेप आपने कर दिया। और चौथा स्टेप आपने कर दिया कि अपने बिजनेस के अंदर कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे थे तो पर्सनल लाइफ के अंदर सिक्स जार सिस्टम आपने लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि जो भी सैलरी रेंट इंटरेस्ट आप बिजनेस से लेते हो उसको आप कहां पर डाल देते हो, आगे छह हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं सिक्स जार सिस्टम। यानी कि 2,00,000 रुपए अगर आपने बिजनेस से लिए तो नेसेसिटी अकाउंट में 55% रख लो, फाइनेंशियल फ्रीडम में 10% रख लो, लॉन्ग टर्म सेविंग में 10% रख लो, एजुकेशन में 10%, प्ले में 10% और गिव में 5% रख लो। जिसकी की यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो, भाई फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट तो आपके स्टॉक म्यूचुअल फंड पैसिव इनकम व्हीकल के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग आपकी कोई बड़ी परचेज करनी है, कोई रेनी डे के लिए करना है, कोई वेकेशन अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंडिचर है, और एजुकेशन के लिए भी तो पैसे रखो ना अपनी पर्सनल सेल्फ एजुकेशन के लिए। जितना शार्प आप है उतना शार्प आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नेसेसिटी में रख लिए 55% रुपए, प्ले इंजॉय करने के लिए लाइफ को, आप गोवा जाओ, मॉरिशस जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, कहीं घूमो, कुछ खरीदो, कुछ खाओ, इंजॉय करो। 10% उसके लिए रखो फैमिली के साथ में, और गिव अकाउंट के अंदर आपने 5% रख लिए, यानी कि अब कोई सरप्लस आया नेसेसिटी का उसको उठा के डाल दिया फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, कोई विंडफॉल गेन मिला डाल दिया फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर। मतलब क्या हुआ, आपने अपनी लाइफ के अंदर कैश फ्लो का फ्रेमवर्क पूरी तरह से लगा देना है। आप कह रहे हो कि टोटल फ्रेमवर्क जो नजर आता है इस तरीके से, बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, कैश रिजर्व, सिक्सर सिस्टम, आपने क्या कहा कि अगर आप इसको डिटेल्ड में समझ के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए कोई तरीका है क्या, कैसे करूं फ्लड अपने बिजनेस को और लाइफ को कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। ये मिलेनियर बिलेनियर के डिजाइन कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये रहे How to flood your business and life with consistent cash flow. Get millionaire and billionaire design to achieve complete financial freedom without wasting time in trial and technical dependency. आप ना GSA online में चले जाए करो। अभी आप सब्सक्राइबर नहीं हो GSA online के तो सब्सक्राइब कर लो। www.gsaonline.in में गए, वहां जाकर ना, वहां जाकर जब आपने इसको यूज करना शुरू किया ना, यूज करना शुरू किया, जो मैंने कैश फ्लो का फ्रेमवर्क दिया हुआ ना, मैं आपको बता तो रहा हूं, ये सारा का सारा कैश फ्लो का फ्रेमवर्क अवेलेबल है किसके अंदर, जीएसए ऑनलाइन के अंदर, शुरू में दे रखा है मैंने शुरू में। भाई कैसे प्रॉफिटेबल और कैश रिच को बिजनेस को रन करें, व्हाट टू डू टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस, मेरा आंसर क्या है, आप ना इंप्लीमेंट कर लो। अगर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया कैश फ्लो का फ्रेमवर्क, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, कैश रिजर्व, सिक्स जार सिस्टम, यही तो मैंने आपको बताया। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ना एक बार आप इस वीडियो को देख लेना, कौन सी कैश फ्लो फ्रेमवर्क की, जिसके अंदर अब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सारे के सारे टूल जो है ना, सारे टूल जो आप देख रहे हो मैंने इसके अंदर आपको दिए हुए हैं,
ये देखो ना, इंडेक्स के अंदर सारे के सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल है, सारे टूल कैश फ्लो मॉडल से लेके बिजनेस मॉडल से लेके सारे टूल आपके पास अवेलेबल इसके अंदर। अब आपने क्या किया, आप कह रहे हो कि ठीक है तो जगमोहन हम जेएससी ऑनलाइन में चले जाते हैं और कैश फ्लो फ्रेमवर्क के बारे में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसको ठीक कर लो। ठीक है, अच्छा अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, तो लोग मुझे प्यार से कहते हैं इंडिया से लीडिंग कैश फ्लो एक्सपर्ट। देखो मैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ में आपकी लाइफ में कैश फ्लो मास्टरी के लिए लगा हुआ हूं। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ कि आई एम ऑथर ट्रेनर रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव गॉट 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, और अभी 15,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर के साथ में इंडिया यूएस कनाडा के अंदर हम काम कर रहे हैं, और मुझे इनवाइट किया जाता है एज ए कीनोट स्पीकर टू वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, बिजनेस एसोसिएशन एंड स्टडी सर्कल, और बहुत से बिजनेस ओनर को भगवान ने मुझे मौका दिया है मेंटर करने का और प्रोफेशनल्स को मेंटर करने का इन द एरिया ऑफ दी कैश फ्लो, और आई एम द फाउंडर ऑफ जेएसए ऑनलाइन पोर्टल, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आई एम तो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ थ्री थिंग्स। बस इससे बड़ा मजा आ रहा है लाइफ के अंदर, नाम जपना, वंड चकना और तरम दी कीर्ति करना, दिस इज समथिंग लाइक दिस इज तरम दी कीर्ति। ये जो कैश फ्लो मास्टरी आपकी लाइफ में आ रही है ना, और जब आपके बिजनेस में कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है, और जब आपके थैंक यू के मैसेजेस आते हैं, और जब आप बताते हो कि कैसे आपने कैश रिजर्व क्रिएट किया और किस तरह से आप इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, वो है मेरा किक, वो है मेरा पैशन, वो मुझे ना एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन देता है, क्योंकि तो मैंने डेडिकेट कर दिया अब अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक बिगर पर्पस के लिए, हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस, बस इसमें मैं पूरी तरह से इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा अब आपने ना पूरा पार्टिसिपेट किया है, पूरा टाइम दिया है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास अगर अभी भी बुक मेरी नहीं है और आपको ये बुक चाहिए, बस कुछ नहीं करना, सिंपल मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ये लो लिंक, ये लिंक दे दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ भी दे दिया मैंने लिंक, इस पे क्लिक करो, अपनी बेसिक डिटेल भरो। बेसिक डिटेल में क्या भरना है, बिल्कुल सिंपल है, ये अपनी डिटेल भर के ना, नाम एड्रेस ये वो, कि नाम, कंपनी नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, सिटी और एड्रेस जहां पर इस बुक को डिलीवर होना है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ये बुक डिलीवर कर देंगे, इसको पढ़ लेना। पॉइंट ये है कि आपने इस बुक को पढ़ के ना, इस बुक को पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ के अंदर, तभी तभी ये मिशन अकम्प्लिश होगा। क्या मिशन है, मिशन है हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आ रही है, फाइनेंशियल कंट्रोल के द्वारा, उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये वैसे अमेजन के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां से अगर आपको इमीडिएट चाहिए वो भी मिल जाएगी, फॉर्म भर लो, फॉर्म से मिल जाएगी, नॉट ए प्रॉब्लम, तो मैं आपको दे दूंगा। अब कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कैश फ्लो मास्टरी को लेके, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लो ये क्वेश्चन, और आपको पूछने का तरीका क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, अभी राइट नाउ माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो ना चैट बॉक्स के अंदर। और ये स्पेसिफिकली मैं आपके लिए ना डिजाइन करके लेकर आया था आज का सेशन। क्यों सेशन आज का डिजाइन किया मैंने, ताकि ना आज आप ना स्टेप बाय स्टेप समझ लो, जो कि आपने समझ लिया। क्या समझा आपने, आपने ये समझा कि कैश फ्लो जो है ना, कैश फ्लो जो है उसके सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं स्ट्रेच सैलरी के द्वारा, डिले इन सप्लायर पेमेंट के द्वारा, और बाकी जो मैंने आपको पॉइंट बताए, और जिसका बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, बीपी शुगर से लेके बैक एक से लेके सब चीजें, ये सारा का सारा उसका इम्पैक्ट है। फिर आपने क्या किया, आपने कहा मैं फाइनेंशियल टेस्टर लगा के देखूं तो सही मैं किस स्थिति में हूं। ओके, जब आपने उस स्थिति को देख लिया तो समझ में आ गया। अब आपने क्या किया, अब अपने बिजनेस के अंदर पूरी तरह से क्या लगा दिया आपने, लगा दिया आपने कैश फ्लो का फ्रेमवर्क लगा दिया, और फ्रेमवर्क लगाने के बाद अब स्टेप बाय स्टेप उसको आपने कंप्लीट करते चले जाना है, क्योंकि देखो ये रियल मैटर एग्जिस्ट करता है इसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर,
तो आर के सबरवाल जी एक बार 1-to-1 करते हैं, एक बार 1-to-1 करते हैं और उसके बाद इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन एंड हैव अ ग्रेट 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 एंड अमेजिंग टाइम अहेड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू, बाय।